ये लेक्चर बीकॉम फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर से संबंधित है। इस लेक्चर में भारतीय सांख्यिकी का अर्थ तथा भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता प्रोफेसर पी सी महालनोबिस के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय सांख्यिकी से आशय उन विविध साधनों एवं संगठनों के अध्ययन से है जिनके द्वारा देश में समंकों का संकलन होता है। इसमें शासकीय एवं निजी दोनों ही साधन सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान सांख्यिकी व्यवस्थाओं की समालोचना एवं उनके सुधार हेतु सुझाव भी आते हैं। भारत में सुचारू रूप से प्रशासन हेतु विकास कार्यक्रमों के निर्माण, संचालन तथा मूल्यांकन के लिए अनेक सांख्यिकीय संगठन स्थापित हो गए हैं। योजनाबद्ध विकास का मार्ग अनुसरण करने में समंकों का महत्व और बढ़ गया है। समंक संकलन की अनेक संस्थाओं का तेजी से विकास हुआ है और सरकार ने भी सांख्यिकीय समंकों के विकास की ओर यथोचित ध्यान दिया है। व्यवहार में समंक संकलन एवं प्रकाशन का कार्य राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार समंकों के प्रकाशन में एकरूपता बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर समन्वय का कार्य करती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय भी अपने विषय अनुसार समंक संकलित एवं प्रकाशित करते हैं। भारतीय सांख्यिकीय संगठन की व्यवस्था विकेंद्रित है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर एक नजर डालते हैं। 1862 में स्टैटिस्टिकल कमिटी सेटअप की गई थी जिसका मुख्य कार्य डेटा का कलेक्शन और कंपाइलेशन था। 1868 में स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ब्रिटिश इंडिया पब्लिश किया गया था। 1866 में फर्स्ट गैजेटियर ऑफ इंडिया शुरू हुआ था। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस या जनगणना का कार्य हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यह जनगणना का कार्य किया जाता है। 1881 में एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स सेटअप किए गए थे। 1886 में एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया का पब्लिकेशन हुआ था। 1895 में स्टैटिस्टिकल ब्यूरो सेटअप किया गया था। 1925 में इकोनॉमिक इंक्वायरी कमिटी सेटअप हुई थी और 1934 में बाउली रॉबर्टसन कमिटी सेटअप हुई थी। 1947 में आजादी के बाद भारतीय सांख्यिकीय व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिले। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच कार्यों का सीमांकन हो जाने से देश में विकेंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था विकसित हुई। केंद्र के प्रत्येक मंत्रालय में कम से कम एक सांख्यिकीय इकाई और कहीं कहीं पर एक से अधिक इकाइयां स्थापित की गईं। इन इकाइयों के द्वारा समंकों के संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य होता है। सेकंड 5-ईयर प्लान, जिसको कि इकोनॉमिक प्लान भी कहा गया है, उसके दौरान भी कई बदलाव किए गए। इस समय प्रोफेसर महालनोबिस प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे और उनके अनुसार बिना पर्याप्त समंकों के आर्थिक विकास की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती तथा बिना संकलन की योजना के उचित समंक नहीं मिल सकते। अतः निरंतर मात्रा में समंकों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए एक सक्षम सांख्यिकीय व्यवस्था का होना जरूरी था। 1949 में प्रोफेसर महालनोबिस को ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर के रूप में नामित किया गया था। 1949 में ही
स्टैटिस्टिकल यूनिट सेटअप की गई। 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे सेटअप किया गया। 1951 में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट पहले सेटअप की गई थी, इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया गया। 1951 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस मिली और 1966 में कंप्यूटर सेंटर सेटअप किया गया, जिसका मुख्य कार्य स्टैटिस्टिकल डेटा की प्रोसेसिंग करना था। भारत की वर्तमान सांख्यिकीय व्यवस्था पर भी एक नजर डालते हैं। शीर्ष स्थान पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। इस मिनिस्ट्री के दो विंग्स हैं, पहला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर तथा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आता है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत 20-पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ। अकादमिक रूप से उन्मुख परिवार में जन्मे महलनोबिस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में सम्मान के साथ प्राप्त की। भौतिक विज्ञान प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से 1912 में स्नातक होने के बाद वे भौतिकी के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। 1915 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित पढ़ने के दौरान उनके एक शिक्षक ने उन्हें सांख्यिकी से परिचित कराया। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी पढ़ाने के लिए एक अस्थायी पद स्वीकार किया और वहीं भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। सांख्यिकी में उनकी रुचि एक गंभीर शैक्षणिक खोज के रूप में विकसित हुई। उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए सांख्यिकीय विधियों को लागू भी किया। सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर महालनोबिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 17 दिसंबर 1931 को उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। महालनोबिस ने दो डेटा सेटों के बीच तुलना का एक उपाय तैयार किया, जिसे महालनोबिस दूरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए नवीन तकनीकों की शुरुआत की। नमूनों की विधि का उपयोग करके रकबे और फसल की पैदावार की गणना की। उन्होंने एक सांख्यिकी विधि तैयार की, जिसे फ्रैक्टाइल ग्राफिकल विश्लेषण कहा जाता है। इसका उपयोग लोगों के विभिन्न समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए आर्थिक नियोजन के आंकड़ों को भी लागू किया। व्यापक सामाजिक आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महालनोबिस ने 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की और भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। वह 1955 से 1967 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत को उद्योग के विकास के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था का गणितीय वर्णन किया, जिसे बाद में महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना गया। महालनोबिस के पास कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभाग थे। अग्रणी कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया।